वेलकम टू द गुड़िया द ग्रेट व्लॉग। सो आज की स्पेशल रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं खीर, जो कि सबको पसंद है, बच्चे बच्चे खाते हैं घर में। तो खीर में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं दूध, गरी, दाल मखाना, चावल, इलायची, किशमिश, चिरौंजी, काजू बादाम और चीनी। अगर आपको अपनी खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार बनानी है और मलाईदार बनानी है तो आपको सिर्फ 2 कटोरी चावल यूज़ करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चावल धुल के रेडी हो गए हैं, तो अब इसमें आप 1 बाउल पानी डालिए। तो अब आप चावल को थोड़ी देर पक जाने दीजिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चावल पक गए हैं, तो एग्जैक्ट 30 मिनट बाद अब आप गरी डालिए। और गरी हम तो पूरा 1 कटोरी डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद दाल मखाना डालिए, बाद आप किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी डाल दीजिए, और अब आप काजू और बादाम डालिए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इलायची तो हर चीज का स्वाद बढ़ाती है, तो खीर में हम इलायची कैसे भूल सकते हैं। तो जिसको भी इलायची पसंद है वो जरूर डालें, और जिसको नहीं भी पसंद है वो ऐसे भी बना सकता है अपनी खीर, पर हम लोग इलायची डाल रहे हैं। आखिरी में आप चीनी डाल दीजिए, और चीनी अपने स्वाद अनुसार, जो जितना भी मीठा खाना पसंद करता हो वो ज्यादा चीनी डाले, जो नॉर्मल पसंद करता है वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत डाल सकता है, क्योंकि हम लोगों को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम लोग चीनी थोड़ी ज्यादा डाल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खीर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं हमारे भगोने में, तो अब हम इसको पूरे 1 घंटे पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और यमी बने। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी खीर को पके हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब आप उसमें दूध डालें, और दूध आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं उतना डालिए। और दूध आप खीर में, अगर आपको खीर बहुत ज़्यादा यमी बनानी है और बहुत मलाईदार और बहुत ज़्यादा दूध वाली बनानी है, तो आपको दूध ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा, ताकि आपकी खीर बहुत ज्यादा अच्छी बने। अब आप सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लीजिए अच्छे से अपनी खीर में, ताकि आप जब खीर बन जाए आपकी तो आप बहुत अच्छे से उसका स्वाद ले सकें। तो अब आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सब कुछ मिक्स हो चुका है खीर में बहुत अच्छे से, हमने दूध भी बहुत अच्छे से डाल लिया है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने। तो अब आप इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए पकने के लिए, ताकि खीर को अच्छे से पकने के लिए आप इसको किसी बड़ी सी प्लेट से ढक दीजिए। सो देखिए गाइस, हमारी डिलीशियस और यम्मी सी खीर रेडी हो गई है। अब आप इसको अपने घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं, और अपने बच्चों, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको खिला सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये यम्मी सी खीर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।